तो हेलो फ्रेंड्स, इस स्टूडियो में हम लोग वेरिएबल देखेंगे और रूल्स देखेंगे और लास्ट में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए वेरिएबल एक बेसिक यूनिट है, स्टोरेज बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल होते हैं, अल्फ़ाबेट डालने चाहिए उसके अंदर, डिजिट भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। और कुछ रूल देखते हैं। ये पहला रूल है कि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट होना चाहिए। सपोज वेरिएबल ए लिया है तो वेरिएबल 9A नहीं ले सकते, A9 ले सकते लेकिन 9A नहीं ले सकते। और अपर केस लोअर केस मतलब डिफरेंस होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस होना चाहिए, होता है मतलब होना चाहिए क्या, कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस होता है। जैसे कि इधर दिया है सम और सम, मतलब कैपिटल सम और स्मॉल सम दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। और दोनों अभी सपोज बट बड़ा है कुछ, जैसे कि फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, अंडरस्कोर डाल सकते लेकिन स्पेस नहीं आना चाहिए। और दूसरा कोई कुछ भी डॉट वो सब नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, अंडरस्कोर डाल के कर सकते हैं और दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन इनका एक नंबर नहीं डाल सकते पहले और फर्स्ट स्पेस नहीं डाल सकते। और स्टैंडर्ड कीवर्ड कुछ कीवर्ड है जो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि डॉक्यूमेंट वाइल, ये सब यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल में। और वेरिएबल 255 कैरेक्टर्स रहता है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में VAR यूज होता है। अभी वेरिएबल दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है वेरिएबल ए इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू असाइन कर दो, या फिर वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर होगा लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं करने का। ऐसा अभी इधर दिया वेरिएबल ए, ये डिक्लेयर हो गया लेकिन उसमें कुछ है नहीं। और वेरिएबल ए बी सी भी डिक्लेयर हो गया लेकिन उसमें कुछ दिया नहीं है। ऐसा तो अभी हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको हर बार बताया। तो इधर टाइटल दे देते वेरिएबल इन JS मतलब जावास्क्रिप्ट। अब सपोज इधर पे मैं वेर दे देता हूँ, सॉरी वेर ए दे देता हूँ, इसको मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया। अभी सपोज इसको वैल्यू भी असाइन कर देते, ए इज इक्वल टू आई ओस लिख देते, ये देखो ए हो गया। अब मैं इधर पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वेरिएबल प्रिंट करने के लिए अभी देखो इधर ए लिख दिया, सेम है दोनों पे, तो इधर देखो प्रिंट हो जाएगा। अभी सपोज अगर कुछ गलती है, ये देखो अभी ये मैंने यहाँ 9 ने लिखा है, यहाँ पे भी 9 ने लिख दिया, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अपन स्टार्टिंग में नहीं ले सकते 9 या ऐसा, स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। ये तो वेरिएबल है बराबर। अभी सपोज इसको मैं इसके बाद लेता हूँ, मैं देखो अभी भी प्रिंट हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं ले सकते। अभी सपोज हमें ए और 9 के बीच में स्पेस दे दूँ और यहाँ पे भी स्पेस दे दूँ तो भी एरर आ जाएगा, ऐसा ही रहता है। अभी सपोज ये हो गया, अभी जो इंग्लिश का कैरेक्टर है उसके लिए डबल कोटेशन डालना है या फिर सिंगल कोटेशन डाल सकते हैं, लेकिन अगर इधर पे नंबर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल 57 सपोज, अभी ए तो मैंने लिख दिया 57 प्रिंट होगा। असल में वेरिएबल इसके लिए यूज़ करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी ए, तो ए की वैल्यू अगर 1000 बार लिखने की है तो ए लिख देने का सब जगह पे और 1000 बार ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अभी सपोज मैंने इधर कुछ गलती की है तो सब में जाके 57 करना पड़ेगा। अभी सपोज इधर पे 57 मेरे को याद है कि 570 डालने का है, तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए में बार बार जाने का और फिर जो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट 570 बार बार लिखने का, इससे अच्छा ए लिख देने का और उस वेरिएबल को ही चेंज कर देगा तो फिर सब जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे इसके लिए वेरिएबल यूज़ होता है। वेरिएबल में और भी दो टाइप होते हैं, कॉन्स्ट और लेट। ये दोनों इसमें तो हम लोग कवर नहीं करने वाले, टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो अगर बोलते कमेंट करते तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।
अभी अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इसको कोटेशन में लेता हूँ, यहाँ पे ए को कोटेशन में लेता हूँ, तो इसको लगेगा कि ए को ही प्रिंट करेगा। देखो 570 प्रिंट नहीं होगा, इसके लिए हम लोग इसको कोटेशन में नहीं लेते कभी भी। ये देखो यहाँ पे कोटेशन बिना लिया, तो और नंबर भी अगर लेने का है अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सपोज़ कुछ नंबर देने का 55, तो भी बिना इसके देंगे कोटेशन के, कोटेशन के बाद भी राइट होगा, लेकिन वो नंबर वाले वैल्यू में टाइप में नहीं जाएगा। डेटा टाइप हम लोग आगे सीखने वाले, वो डेटा टाइप नंबर वाले में नहीं जाएगा, वो स्ट्रिंग में चला जाएगा। मैंने ये यहाँ लिख तो दिया, लेकिन इसके आगे है ना सबके आगे ये डालना ज़रूरी है, यहाँ पे भी ये वाला साइन सेमी कॉलन डालना ज़रूरी है अभी। लेकिन इसको है ना ऐसे अगर लो, ये ऐसे है, इसके अंदर कोई भी नंबर ले लेंगे तो ये प्रिंट तो रहेगी, लेकिन ये नंबर वाले में नंबर नहीं जाएगा। अभी अगर नंबर टाइप करना है तो ऐसे ही टाइप करने का 55 जो भी है। ये देखो 55 ऐसे ही नंबर असाइन करने का। और इसमें एक इधर ट्रू भी डाल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स डालेंगे तो भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग ने देखा है वेरिएबल्स, अगले वीडियो में हम लोग डेटा टाइप देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।